हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं रेशियो सॉल्व ही क्यों करना है, रेशियो एनालिसिस करनी ही क्यों है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। दो कंपनी है हमारे पास, कंपनी ए कंपनी बी। मैंने आपको बताया कंपनी ए और कंपनी बी का नेट प्रॉफिट 2000 रुपीज़ एंड 4000 रुपीज़ है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कंपनी ए ज़्यादा अच्छा अर्न कर रही है या कंपनी बी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रही है। आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कंपनी बी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रही है क्योंकि नेट प्रॉफिट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। पर आप में से कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि मैम पहले सेल्स बताओ तब पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रही है, कितनी सेल पर 2000 अर्न किया और बी कंपनी ने कितनी सेल पर 4000 अर्न किया। मैंने आपको एक टर्म और बता दिया, सेल्स। कंपनी ए की सेल्स है 10,000 रुपीज़ और कंपनी बी की सेल्स है 40,000 रुपीज़। अब बताओ कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रही है। आपने फटाफट से डिवाइड किया, 2000 अर्न कर रही है जब सेल्स हो रही है 10,000 की, और यहाँ 4000 अर्न कर रही है कंपनी बी जब सेल्स हो रही है 40,000 रुपीज़ की, है ना। इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इसका आया परसेंटेज कंपनी ए का 20 और इसका आया 10। अब आपको फटाफट समझ में आ गया कि कंपनी ए ज़्यादा अच्छा अर्न कर रही है ना। ये 2000 रुपीज़ अर्न कर रही है 10,000 की सेल करके, और ये सिर्फ 4000 रुपीज़ अर्न कर रही है 40,000 की सेल करके। क्लियर? आपने अननोइंगली नेट प्रॉफिट रेशियो सॉल्व कर दिया। ठीक, तो रेशियो हम सॉल्व क्यों करते हैं? क्योंकि एक फिगर से हमको रिजल्ट या कंक्लूजन ठीक नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको ये तो पता चल जाएगा इस फिगर से कि नेट प्रॉफिट कितना है, पर जब हम कंपैरिजन की बात करेंगे कि लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा था या अब ज़्यादा अच्छा है, तो हम ये तभी देखकर बता पाएंगे कि सेल्स कितनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने मेन चैप्टर पर, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में डिफरेंट टाइप के रेशियोज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा रेशियो रिलेटेड टू नॉर्मल प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा होगा हमारा रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो फर्स्ट कवर करते हैं रिलेटेड टू नॉर्मल प्रॉफिट। फर्स्ट रेशियो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फर्स्ट रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, शॉर्ट में हम इसको GPR भी बोलते हैं। क्लियर? अभी एक जो फॉर्मेट मैंने बना रखा है यहाँ पर, इसको देखते हैं। ये है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट, ओल्ड फॉर्मेट है ये। इस फॉर्मेट में सबसे पहले देखा हमने ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से वाले? फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फैक्ट्री में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो वाले एक्सपेंसेस, जो कोई भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन में जो एक्सपेंसेस हैं वो वाले एक्सपेंसेस। यहाँ आता है हमारा सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों में इसको प्लस करके डेबिट साइड माइनस की तो क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में यही ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ हम लेते हैं डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक चीज दिमाग में क्लियर रखना, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट का मीनिंग ये कभी भी नहीं है कि ये नॉन ऑपरेटिंग है। इसका नाम है इनडायरेक्ट पर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ट्रेडिंग एंड P&L ट्रेडिंग अकाउंट में जिस तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उसी तरह से ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से वाले एक्सपेंसेस होते हैं? फैक्ट्री के बाद जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सैलरी एंड ऑल। ठीक,
फिर आता है हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी से, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं हैं, जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड, डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन डेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ड्यू टू फायर एंड ऑल। ठीक, इसी तरह से कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी तो वो यहाँ आ जाएगी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन से प्रोडक्ट बेचे हैं हमने, तो प्रोडक्ट के लिए क्या इनकम होगी? वो होगी हमारी सेल के थ्रू, है ना। ये जो इनकम है ये हमारी ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रेंट। ठीक, चलिए इसके बाद क्रेडिट साइड प्लस करके डेबिट साइड माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट। क्लियर। अब आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? यूजुअली आप देखोगे रेशो एनालिसिस में जितने भी फॉर्मूलाज होंगे उसमें आपको फॉर्मूले में ही जो आपको रेशो पूछा जाएगा उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या क्या होने वाले हैं। पर ये जो रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का रिलेटेड टू नॉर्मल प्रॉफिट रेशो है, इसमें आपको ये समझ में नहीं आएगा। कि एक चीज समझ में आ जाएगी कि न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है कि डिनोमिनेटर क्या होगा। पर ये बहुत इजी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में हमने ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिख लिया फॉर्मूले में, नीचे क्या आएगा? इनटू 100 लिख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को हम किससे डिवाइड दें? फिक्स एसेट से दें, लाइबिलिटीज से दें, किसी एक्सपेंस से दें? क्या बेस्ट सूटेबल होगा? बेस्ट सूटेबल होगा नेट सेल्स। इससे बेटर कुछ है ही नहीं, है ना, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पता करना है। तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल, कितनी सेल पर कितना प्रॉफिट हुआ। क्लियर। चलिए इसमें नेट सेल्स का मीनिंग क्या है? नेट सेल्स का मीनिंग है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक, टोटल सेल्स का मीनिंग क्या है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट वैसे तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है, सिंपली दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे हम। पर ये आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलेगा। जब भी रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके निकालना होगा। ये आपको एकदम सजा सजाया हुआ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो कैलकुलेशन में क्या क्या आ सकता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस, अगर ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है आपको तो, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, तब COGS। ये COGS क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए ये तीन और एक ये चार क्लोजिंग स्टॉक, ये टर्म यूज करने वाले हैं हम, इसके अलावा और कोई टर्म यूज नहीं होगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक। इससे क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो प्रोडक्ट हम सेल करने वाले हैं उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है। ठीक है, तो कैसे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या हुआ? इसको इरेज कर देते हैं, यहां लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, बस ये याद रखना मैम ने इस तरह से किया था तो इसमें ये चार चीजें कवर होने वाली हैं। बिल्कुल सिंपली समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आ रही है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। चलिए अब क्या हो अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हो और ग्रॉस प्रॉफिट, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सॉल्व करना है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको चाहिए, तब कैसे सॉल्व करेंगे?
ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक पहुंचने में हमने क्या क्या किया? हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। कोई बात नहीं, जो चीज़ें माइनस की हैं उनको प्लस कर दो, और जो चीज़ें प्लस की हैं जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो चीज़ें प्लस की हैं उनको माइनस कर दो। सिंपल। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जब नेट प्रॉफिट दिया हो? तो नेट प्रॉफिट क्या माइनस किया है हमने? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए हैं तो इनको प्लस कर देते हैं, प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? आप नोट डाउन करो तो फुल फॉर्म लिखना, जिससे आपको याद रहेगा अच्छे से। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। हमको चाहे नेट प्रॉफिट दिया हो या ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, या हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं भी दिया हो, ट्रेडिंग अकाउंट दिया हो या पीएनएल दिया हो, हम किसी भी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट रेशियो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट रेशियो है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये रेशियो समझने से पहले एक सीरीज बताती हूँ आपको। इसी ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट से बता रही हूँ, सिंपल सी सीरीज। सेल्स में से अगर COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया जाए, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, है ना? ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से? ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये वाले तो नॉन ऑपरेटिंग हैं, तो अदर ऑपरेटिंग मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसमें से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएं तो क्या बचेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएं तब क्या बचेगा? तब बचेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दी जाए, पहले इंटरेस्ट ही माइनस करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ही जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा, फिर टैक्स माइनस होगा। तो पहले क्या माइनस करना पड़ेगा हमको? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट माइनस कर दी जाए, अब क्या बचेगा? अब बचेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से टैक्स और माइनस कर दिया जाए तब क्या बचेगा? अब बचेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर? तो ये जो नेट प्रॉफिट रेशियो में हम नेट प्रॉफिट लेते हैं, ये फाइनल वाला है। कौन सा वाला है ये? ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला। ये बिल्कुल रिफाइंड वाला नेट प्रॉफिट है, जिसमें से हम सारे एक्सपेंडिचर्स, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सब माइनस कर चुके हैं। क्लियर है? यहां पर वो वाला नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो सॉल्व करने के लिए। चलिए, अब अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो और नेट प्रॉफिट रेशियो सॉल्व करने बोला हो तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से सेम जो ये कैलकुलेशन पीएनएल वाली करते हैं वो कैलकुलेशन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से लेके यहाँ तक आने में हमने जो जो माइनस किया है, ऑपरेटिंग, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड टैक्स सब माइनस कर देंगे, फिर ये हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रेशियो है हमारा, थर्ड रेशियो है नेट ऑपरेटिंग रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो
नेट ऑपरेटिंग रेशो भी है, वो भी बताती हूँ। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन अगेन नेट सेल्स इनटू 100। क्लियर? अब इस सीरीज में आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां पर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस वाले स्टेप पर आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो क्वेश्चन में और हमसे हमको अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हो तो फटाफट से माइनस करेंगे, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हो तो फटाफट से माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड करेंगे नेट सेल्स इनटू 100। क्लियर है? क्या हो अगर नेट प्रॉफिट दिया हो? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जब नेट प्रॉफिट दिया हो? नेट प्रॉफिट कौन सा वाला? ये सब माइनस हुए वाला। तब क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट लेंगे और इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो हमने प्लस की थी उन्हें माइनस कर देंगे, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने माइनस किए थे उनको प्लस कर देंगे, है ना? ये वाला तो हमें इंक्लूड करना ही है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को जिसको प्लस किया उसे माइनस कर देंगे, और जिसको माइनस किया उसको प्लस कर देंगे, ठीक है? और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो तब कैसे निकालेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर देंगे, ये भी बता चुकी हूं मैं, ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रेशो आता है हमारा, इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट रेशो है हमारा ऑपरेटिंग रेशो, फोर्थ रेशो है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो भी बोलते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग रेशो आए तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं सॉल्व करना है, उसे क्या मानेंगे? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो है। क्लियर? फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या लिख सकते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय अगेन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है? अब बात आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में भी हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के थ्रू P&L अकाउंट में भी हैं, है ना? तो ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे कवर करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे कवर करेंगे? COGS लेकर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने ट्रेडिंग अकाउंट को शॉर्ट में ले लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? बाकी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कौन से हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना? तो इसको ले लेंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट? ये हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। एक और रेशो आता है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? जो भी एक्सपेंस आपको पूछा है, पर्टिकुलर एक्सपेंस, एक्सपेंस लिखेंगे डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब एक्सपेंस रेशो का एक एग्जांपल देती हूं। मान लीजिए आपसे पूछा है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस रेशो, तब क्या करेंगे? ऑफिस एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सिंपल, कोई भी एक्सपेंडिचर आपको दिया हो आप उस एक्सपेंडिचर को लिखो, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 कर देंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।